सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा जातिगत आरक्षण के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद के चलते ग्वालियर के फूलबाग स्थित लालबाग पाल की प्रतिमा के सामने रक्षक मोर्चा संघर्ष समिति द्वारा नरेंद्र मोदी एवं देश के सभी सांसदों का पुतला दहन किया गया। 334 को हटाने के साथ देश के अंदर जातिगत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई। इस दौरान रक्षक मोर्चा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो देश भर के अंदर स्वर्ण समाज आंदोलन करेगा। हिंदुस्तान देश के अंदर जो 70 वर्षों से जो आरक्षण चला रहा है, ये देश हित में नहीं है, देश का विकास नहीं हो पा रहा है। जो हमारे देश के अंदर प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। एक 90% वाला प्रतिभाशाली बालक और एक 50% वाला बालक वो जो ना अच्छे पद पर पहुंच रहा है। तो हमारे देश के अंदर जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो भेदभाव चल रहा है, जातिगत जो भेदभाव चल रहा है, हमारा सरकार से अपील है, पूरा सवर्ण समाज से अपील है कि इसको बंद किया जाए। और आर्थिक आधार पर, क्योंकि आर्थिक आधार पर होगा तो हर जाति के अंदर गरीब परिवार हैं, तो जो असली में जो आर्थिक आधार पर गरीब परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब महागरीब होता जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही दुखद बात है। मूर्ति के आगे जो पुतला दहन किया, किनकी मूर्ति का किया? ये बाल गंगाधर तिलक जी, इनका जो नारा था कि भाई सभी समाज एक समान रहें और सबको बराबर समझा जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं इस को सरकार से और पूरा हिंदुस्तान में आज अभी जो शुरू किया गया आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर हो, तभी देश का भला। मोदी जी का, श्री मोदी जी का यहाँ पे किया, भारत सरकार केंद्र सरकार का किया है, जो बिल्कुल हमारे सवर्ण भाइयों की बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। उनको हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और इस पर वो जल्द से जल्द अपना निर्णय लें, यही देश हित में रहेगा। दबंग न्यूज़ के लिए ग्वालियर से उमेश वर्मा की रिपोर्ट।